उदय भान कह रहे हैं आप में आपकी जो पार्टी है बीजेपी उसमें ज्यादा अंदरूनी कलह है ना कि कांग्रेस में। ये तो उदय भान को अपनी तरफ झांकना चाहिए, हमारे उड़ी कोई कलह नहीं है। हमारा तो 24 कैरेट का शुद्ध सोना हमारा संगठन है और संगठन के जो कार्यकर्ता है वो हमारे चौधरी हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, और 4 तारीख के बाद तो चौधरी होंगे और वो मजबूती से लोगों का काम कराएंगे। अधिकारी काम करेगा, लोगों का काम कराएंगे, परंतु इनके पार्टी के अंदर, कांग्रेस की पार्टी के अंदर तो मंच के ऊपर बैठने की तो दूर की बात। ये पोस्टर के ऊपर एक दूसरे का फोटो नहीं लगाते, अगर लगा लेते हैं उसके फोटो को फाड़ देते हैं। इस प्रकार की स्थिति मोदी जी का हरियाणा के साथ बड़ा लगाव है। हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमें समय मिला है। 18 तारीख को 2 बड़े कार्यक्रम, एक अम्बाला में, एक सोनीपत में गोहाना के अंदर कार्यक्रम होगा, और हम भरपूर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जोरदार स्वागत करेंगे, क्योंकि आदरणीय मोदी जी हरियाणा को अपना परिवार मानते हैं, अपना घर मानते हैं। लंबे समय तक मोदी जी हरियाणा के अंदर रहे हैं, वो हर व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय मोदी जी को हरियाणा की नस नस के बारे में मालूम है, एक एक गली के बारे में मालूम है। बहुत नज़दीक से हरियाणा को वो समझते हैं, जानते हैं। हम सब का दायित्व है, क्योंकि मुझे भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ उस समय के अंदर रहने का, उनके साथ काम करने का मुझे भी मौका मिला है, और मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा के अंदर आ रहे हैं और उनके नेतृत्व के अंदर हरियाणा में जबरदस्त विकास के कार्य 10 वर्षों के अंदर हुए हैं। आज मैं देखता हूँ इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा एक भी जिला ऐसा नहीं है जहाँ 4 लेनिंग रोड एक्सप्रेस वे ना टच किया हो। हर जिला के अंदर एक्सप्रेस वे रोड बनाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी हरियाणा से प्रेम स्नेह करते हैं, हम जोरदार स्वागत करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।